गोरखपुर जिले में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता ही जा रहा है। गुरुवार को पिछले 24 घंटे में 275 नए कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं। अब जिले में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 4672 हो गई है। जनपद में अब तक 1046 कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज हो चुका है, जो स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं। वहीं जिले में 1419 मरीजों का इलाज होम आइसोलेशन के तहत हो रहा है, जबकि 2131 मरीजों का इलाज अभी भी विभिन्न अस्पतालों में चल रहा है। गोरखपुर में जो 275 नए कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं, उनमें सदर क्षेत्र के 98 तो ग्रामीण क्षेत्र के 158 मरीज शामिल हैं। सदर क्षेत्र में कहां पर कितने मरीज पाए, इस तरह का आंकड़ा पहले स्वास्थ्य विभाग देता रहता था, लेकिन आज सदर क्षेत्र में पाए जाने वाले मरीजों का क्षेत्रवार आंकड़ा जारी नहीं किया गया। राहत की बात यह है कि स्वास्थ्य विभाग ने जो आंकड़ा जारी किया है, उसके अनुसार जनपद में 24 घंटे के अंदर किसी भी कोरोना संक्रमित व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई है। ग्रामीण क्षेत्र में जो 158 नए कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं, उनमें ब्रह्मपुर क्षेत्र के 1, बढ़लगंज क्षेत्र के 8, भठहर क्षेत्र के 12, कैंपियरगंज क्षेत्र के 14, चरगावा क्षेत्र के 13, चौरी चौरा क्षेत्र के 1, जंगल कौड़िया क्षेत्र के 33, खजनी क्षेत्र के 4, खोराबार क्षेत्र के 22, पिपराई क्षेत्र के 11, पिपरौली क्षेत्र के 2, सैजनवा क्षेत्र के 8, सरदारनगर क्षेत्र के 19, उरवा क्षेत्र के 10 और अन्य 19 नए कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं। इनकी पुष्टि सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने की है। उन्होंने बताया कि संक्रमितों के परिजनों की कोरोना जांच कराई जाएगी, साथ ही जहां भी संक्रमित मरीज मिले हैं उस इलाके को सील करने के साथ सैनिटाइजेशन करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं संक्रमितों के संपर्क में आने वाले लोगों की तलाश शुरू कर दी गई है।